चलिए फिर अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि पैकेज के टाइप्स के बारे में। देखिए, अगर पैकेज के टाइप की बात करें या टाइप्स ऑफ पैकेज की बात करें, टाइप्स ऑफ पैकेज की बात करें तो पैकेज बेसिकली दो टाइप का होता है ना। पहला होता है प्रीडिफाइंड पैकेज, प्रीडिफाइंड, ठीक है, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड, ठीक है। तो प्रीडिफाइंड पैकेजेस वो पैकेजेस होते हैं जो लैंग्वेज ने हमें बने बनाए दिए हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जावा के अंदर जितनी भी बनी बनाई क्लासेस हैं वो बने बनाए पैकेज के अंदर हैं, और उन्हीं बने बनाए पैकेजेस को हम प्रीडिफाइंड पैकेज बोलते हैं। तो प्रीडिफाइंड पैकेजेस आर दोज पैकेजेस विच इज़ क्रिएटेड बाई लैंग्वेज इटसेल्फ, जो लैंग्वेज ने हमें बना के दिए हुए हैं, ठीक है। यूज़र डिफाइंड पैकेजेस आर दोज पैकेजेस विच इज़ क्रिएटेड बाई यूज़र इटसेल्फ, जो हम खुद बनाते हैं। तो जावा के अंदर जितने भी प्रीडिफाइंड पैकेजेस हैं वो कहाँ पे हैं वो पहले हम जानते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे जावा के जितने भी प्रीडिफाइंड पैकेजेस हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। आप सी ड्राइव के अंदर जाइए। अच्छा, पैकेजेस के अंदर होता क्या है, सोर्स कोड या बाइट कोड, पहला तो ये चीज़ है। तो जावा के जितने भी सोर्स कोड होते हैं वो src.zip में होते हैं। जावा के बनी बनाई सोर्स, मतलब src, आप बोल सकते हो कि सोर्स कोड, वो कहाँ पे होते हैं, JDK के अंदर, यहाँ src में पड़े होते हैं। देखिए src.zip, और ये जो सोर्स कोड हैं ये भी देखिए फोल्डर के अंदर रखे गए हैं। ये देखिए जावा, जेवएक्स, लॉन्चर वगैरह वगैरह, यही पैकेजेस हैं। बट एक्चुअली अगर आप बात करो, पैकेज के अंदर बेसिकली सोर्स कोड भी होते हैं और बाइट कोड भी होते हैं। तो सोर्स कोड को पैकेज में रखने का क्या फ़ायदा होता है, ताकि वो हमारे लिए सर्चिंग में आसान हो, और बाइट कोड को पैकेज में रखने का फ़ायदा होता है ताकि वो लैंग्वेज को सर्च करने में आसान हो, है ना। कंपाइलर उसे इजीली लिंक और सर्च कर ले, उसे यूज कर ले, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, जावा, जेवएक्स, लॉन्चर, ORG, ये सब पैकेजेस हैं, इनके अंदर ये सब पैकेजेस हैं, जैसे एप्लेट, AWT, IO, लैंग, है ना। तो जितने भी एप्लेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एप्लेट पैकेज के अंदर, AWT पैकेज के अंदर, IO रिलेटेड इन्फॉर्मेशन IO पैकेज के अंदर, इनके अंदर क्या है, जावा फाइल। तो देखिए ना, ये आप SRC के अंदर ये सारी चीज़ें पैकेज के अंदर रखी गई, तो फ़ायदा क्या मिला, इसका फ़ायदा मिला कि हमारे लिए चीज़ों को सर्च करना आसान हो गया। कभी भी अगर मुझे SQL से रिलेटेड कोई काम करना है तो मैं SQL पैकेज के अंदर जाऊंगा, वहां से आपकी करस्पॉन्डिंग जो जावा फाइलें हैं उनको निकाल के ले आऊंगा ना, उनको पढ़ सकता हूँ मैं यहाँ से। तो SRC.zip भी यहाँ पे पैकेजेस के अंदर हैं, बट इससे हमें मतलब नहीं है, कंपाइलर इसे यूज नहीं करता, ये हमारे लिए है। SRC.zip जो हमारी सोर्स कोड है, यहाँ पे सारी चीज़ें एक पैकेज के अंदर हैं, फोल्डर के अंदर हैं। उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा है कि हमें चीज़ों को सर्च करने लिए आसान है। बट अगर आप JRE के अंदर लिब में जाइए तो लिब के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा एक RT करके फाइल, देखिए यहाँ पे RT। तो जावा के जितने भी प्रीडिफाइंड पैकेजेस हैं जिनको आप यूज करते हो, आप क्या यूज करते हो, आप तो सोर्स कोड यूज करते नहीं हो, सोर्स कोड तो पढ़ने के लिए है, है ना। आप बेसिकली बाइट कोड यूज करते हो, सिस्टम क्लास यूज करते हो, स्ट्रिंग क्लास यूज करते हो, तो उनके बाइट कोड को आप यूज करते हो। तो जावा के जितने भी प्रीडिफाइंड पैकेजेस हैं वो कहाँ पे हैं, आप बोल सकते हो rt.jar में। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए, जावा में बनी बनाई क्लासेस होती हैं, बनी बनाई क्लासेस, बने बनाए इंटरफेसेस। तो जावा में जो बनी बनाई क्लासेस और बने बनाए इंटरफेसेस होते हैं, कुछ ऐसी क्लासेस इंटरफेसेस हैं जो जावा ने खुद बनाया है, कुछ थर्ड पार्टी ने बनाया है ना। जैसे जावा का सर्वलेट, जावा का JSP, जावा का स्प्रिंग, हाइबरनेट, जो भी है, सिलेनियम, TestNG, कुकुम्बर, जो भी नई चीज़ें हैं जावा से रिलेटेड, ये सब जावा के इस RT में नहीं है। rt.jar में जावा की कोर जावा वाली चीज़ें हैं, जावा ऐसी वाली चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। आप बोल सकते हो कोर जावा की सारी लाइब्रेरी इस RT में अवेलेबल होता है। तो जावा के सारे प्रीडिफाइन पैकेजेस कहाँ होते हैं, rt.jar के अंदर। अब rt.jar को अगर गलती से भी आप डिलीट कर दोगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा। अब जावा का एक बेसिक प्रोग्राम बनाइए, जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्लास हमने बनाया, इसको सेव कर दिया हमने, a.java से सेव कर दिया, राइट, रिप्लेस कर देते हैं। अब आप cmd पे जाके इसे कंपाइल कर लीजिए। देखिए, जैसे आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, लिखेंगे जावा सी a.java, तो प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी आपने आपकी इस RT को यहाँ से डिलीट कर दिया, राइट, ये यहाँ पे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन मेरे पास है नहीं सिस्टम में, बट अगर आप इसको डिलीट कर दोगे ना, शायद डिलीट हो गया, देख लेते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, हाँ ये डिलीट हो गया, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है। बट RT को अगर गलती से भी डिलीट कर दोगे तो प्रोग्राम आपका कंपाइल भी नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे डिलीट हुआ नहीं, इसलिए कंपाइल हो रहा है, आप करके देखना।
तो मैं इसे डिलीट कर रहा था, फिर इसको मैं अंडू कर लेता है ना, ये नहीं कि आप भी इसे डिलीट करने लगे, नहीं तो आपकी आपका जो कंपाइलर है वो प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं कर पाएगा। इस rt.jar को यहाँ से मैं कॉपी करके डेस्कटॉप पे लेके आता हूँ, है ना, एक फोल्डर के अंदर इसको लाके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपने सोचा कि ये सर यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इस rt.jar के अंदर से पैकेजेस जो हमारे जावा के पड़े हुए हैं वो इसके अंदर हैं या नहीं है, ये कैसे आप देख पाओगे। आपके पास अगर विनरार सॉफ्टवेयर है तो राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो यहीं cmd लिख के एंटर मारिए। और जावा के पास ऑलरेडी एक टूल होता है जिसका नाम होता है जार, और इस जार टूल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जार लिख के एंटर मारोगे तो इस जार टूल के जितने भी स्विचेस होते हैं, जैसे -c -t -x -u -v, इन टूल का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जार के बाद xvf करूँगा और अपनी जार फाइल का नाम दूंगा। एक्स का मतलब एक्सट्रैक्ट होता है, जार एक टूल है, एक्स का मतलब एक्सट्रैक्ट, वी का मतलब वर्बोज आउटपुट, और एफ का मतलब फाइल। तो मुझे एक फाइल को एक्सट्रैक्ट करवाना है, यानी कि किस फाइल का नाम, rt.jar। तो जिस तरह से rt.jar को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, अनजार कर रहे हो, ऐसे आप किसी भी फाइल का नाम दे दो और इस टूल के थ्रू अनजार कर सकते हो। और जो हमने -v लगाया था ना एक्स के बाद, वो वी के वजह से ही आपको यहाँ पे स्क्रीन में सारी चीज़ें दिख रही हैं, दैट इज़ वर्बोज आउटपुट जो आपको अभी cmd पे यहाँ दिख रहा है। ये मैंने क्या किया, मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया rt को, और वहाँ से मैं निकाल के आ रहा हूँ पैकेजेस। आप पैकेजेस क्या होता है, बेसिकली लॉजिकली एक कंटेनर और फिजिकली एक फोल्डर। तो आप इसके अंदर से देख रहे होंगे फोल्डर निकल के आ रहा है, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, उसके अंदर डॉट क्लास फाइल है, समझ में आ रहा है। तो यानी कि पैकेज इज़ नथिंग बट अ फोल्डर, फिजिकली इट इज़ अ फोल्डर। तो अगर आप इस फोल्डर के अंदर जाओगे तो फोल्डर के अंदर सब फोल्डर मिलेंगे जिन सब पैकेजेस बोल सकते हैं, और उनके अंदर क्लासेस मिलेंगी। किस टाइप की क्लासेस, सेम टाइप की क्लासेस, सिमिलर फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने वाली क्लासेस। तो मैंने आपको बताया कि जार टूल एक होता है जिस टूल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को है ना अनजार कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जार टूल के थ्रू, राइट। उसके साथ स्विच आप यूज़ कर सकते हो, एक्स एफ भी यूज करोगे, एफ यूज करोगे तो आपको यहाँ वी नहीं यूज करोगे तो आपको ये कंसोल पे जो स्क्रीन में अभी दिख रहा है वो आपको नहीं दिखता, वर्बोज आउटपुट नहीं दिखता। तो वी ऑप्शनल भी होता है, यूज करो ना करो, है ना। तो एक्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है, सी क्रिएट करने के लिए होता है। अगर आपको कोई जार फाइल, वार फाइल या EAR फाइल आपको क्रिएट करना है कभी, तो उसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। बट आगे चल के हम और IDE वगैरह में पढ़ेंगे या इक्लिप्स या मैवन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जार वार सब फाइलें अपने आप कमांड से बन जाती हैं। तो बस हाँ, बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम अनजार वगैरह करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जावा की, जावा जावा के अंदर एपलेट, लैंग, है ना, SQL, ये सब क्या हो गए, ये हो गए हमारे सब फोल्डर, है ना। आप अगर गूगल पे यहाँ पे टाइप करिए, कहीं पे भी आप टाइप कीजिए जावा पैकेज, है ना, आप लिख दीजिए जावा पैकेज, राइट, PACKAGE पैकेजेस। तो अगर जावा पैकेजेस आप लिख के यहाँ पे कहीं पे भी एंटर मारते हो और इमेजेस पे यहाँ पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे देखिए इमेजेस पे हमने लिख यहाँ पे क्लिक करके दिखाया आपको, तो आप कहीं पे भी देखोगे ना तो इस तरह से आपको फोल्डर मिलेगा, फोल्डर के अंदर ऐसे सब फोल्डर मिलेगा। देखिए जैसे जावा फोल्डर है, उसके अंदर लैंग फोल्डर है, यूटिल है, फिर तो ये जावा क्या हो गया, हमारे ये फोल्डर का नाम हो गया जिसे हम पैकेज बोल रहे हैं, राइट। और उनके अंदर क्या हो गया, हमारे सब पैकेजेस, लाइक जैसे लैंग, यूटिल, AWT, ये सब पैकेजेस हो गए। तो पहला रूट हो गया हमारा पैकेज, उसके अंदर सब पैकेजेस, एंड देन उसके अंदर हमारे पास डॉट क्लास फाइल। तो ये पैकेज का एक डायग्राम हो गया। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जावा के अंदर जितने भी प्रीडिफाइंड पैकेजेस हैं वो rt.jar के अंदर अवेलेबल हैं, और एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे अवेलेबल करा के रखे गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से डायग्राम बना के दिखाया गया, देखिए ये हमारे पैकेजेस हो गए, ये सब पैकेजेस हो गए, और ये उनके अंदर डॉट क्लास फाइल हो गए। तो इन जावा, जावा डिवाइड्स देयर क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन अ लॉजिकल कंटेनर, एंड दिस लॉजिकल कंटेनर इज नथिंग बट अ पैकेज, ठीक है ना। एंड पैकेज का ये डेफिनेशन हो गया, और जावा के जितने भी प्रीडिफाइन, ऑल द प्रीडिफाइन पैकेज ऑफ जावा आर स्टोर्ड इन rt.jar। rt.jar में तो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई क्वेश्चन है तो बताइए। तो जावा के जितने भी प्रीडिफाइन पैकेजेस हैं वो rt.jar के अंदर अवेलेबल हैं। और अब जब भी आप जावा के किसी भी क्लासेस को यूज करेंगे तो उसको पैकेज के साथ उसे यूज करेंगे, ठीक है ना। ये भी एक रूल होता है पैकेजेस से रिलेटेड। और अभी तक आपने जो भी क्लास बनाया, जो भी आपने इंटरफेस बनाया, उसमें आपने पैकेज कभी नहीं बनाया, बट आगे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक रूल भी यहाँ पे आता है कि जावा के अंदर कभी भी अगर कोई क्लास या इंटरफेस आप क्रिएट करते हो तो उसको पैकेज के अंदर रखना ही चाहिए, राइट। जैसे आप देखिए ये हमने क्लास बनाया ए नाम से,
और इसको हमने किसी पैकेज के अंदर नहीं रखा। तो ये जो क्लास है ये बाय डिफॉल्ट एक पैकेज के अंदर होती है जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैकेज, ठीक है ना। तो रूल क्या हो गया कि इन जावा इफ़ वी आर क्रिएटिंग एनी क्लास एंड नॉट क्रिएटिंग एनी पैकेजेस, सो एवरी क्लास स्टोर्ड इन अ सम काइंड ऑफ पैकेज, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट पैकेज। समझ में आ रहा है? तो जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो एक पैकेज के अंदर स्टोर्ड होती हैं। अगर आप किसी क्लास के अंदर पैकेज नहीं भी बनाते हो तो वो क्लास एक पैकेज के अंदर ऑलरेडी होती है और वो होता है हमारा डिफॉल्ट पैकेज, और डिफॉल्ट पैकेज का कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर पैकेज हम क्यों बनाते हैं? पैकेज क्यों बनाते हैं? तो स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको पैकेज बनाने से क्या होता है, चीज़ें कैटेगराइज हो जाती हैं, चीज़ों को सर्च करना आसान हो जाता है। अगर आप एक मान लो कि डेवलपमेंट कंपनी में आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपने पैकेज नहीं बनाया, और आप एक प्रोजेक्ट में 10,000 क्लासेस बना रहे हो और 10,000 क्लासेस एक ही फोल्डर में बना के रख दोगे, तो अगर आपको सपोज करो डेटाबेस कनेक्शन वाली क्लास को खोजना है और उसमें कोई चेंज करना है तो आपके लिए टफ नहीं हो जाएगा? तो अगर वो कैटेगराइज होगा तो फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देख लो ना कि अगर जावा ने अपने जितने भी क्लासेस थी उनको कैटेगराइजेशन के लिए पैकेज नहीं बनाया होता तो क्या दिक्कत आती? यहाँ पे देखो ना, ए आर टी के अंदर ये सारे चीज़ें पैकेजेस के अंदर हैं, जैसे आयो की सारी क्लासेस आयो पैकेज के अंदर हैं और मैथमेटिकल रिलेटेड सारी मैथ के अंदर हैं। तो इससे फ़ायदा होगा कि जिस पर्टिकुलर आपको क्लास को यूज करना है उसके पैकेज में जाओ उसे यूज कर लो। हाँ, ये तो हो गया उनके लिए, लिंकिंग सर्चिंग फास्ट जाती है, और हमारे लिए भी है ना लिंकिंग सर्चिंग फास्ट जाती है। आप एक बार स्टार्टिंग का सेशन मेरा देख लेना जिसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताया हुआ है कि पैकेज बनाने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, और दूसरी बात, अभी मैंने आपको बताया कि जावा के अंदर अगर कोई भी क्लास आप बनाते हो और पैकेज नहीं बनाते हो तो हर क्लास एक पैकेज के अंदर बाय डिफॉल्ट होती है, हर क्लास एक पैकेज के अंदर ऑलरेडी होती है। क्लियर? तो जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैकेज। तो आप ऐसा बोल सकते हो इन जावा एवरी क्लास आर स्टोर्ड इन अ पैकेज, है ना, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट पैकेज एंड डिफॉल्ट पैकेज हैव नो एनी नेम। क्लियर? मतलब आपने जैसे ये क्लास बनाया, इसको पैकेज के अंदर रखा नहीं, तो ये क्लास तो ऑलरेडी एक पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है जिसका नाम है, जो कि डिफॉल्ट पैकेज है, और डिफॉल्ट पैकेज का कोई नाम नहीं होता है, और आप चाहो तो बना भी सकते हो। तो कैसे बनाएंगे अब उसके बारे में हम देखते हैं। अभी तक की कहानी क्लियर है? तो डिफॉल्ट पैकेज का कोई नाम नहीं है ना, आप बताओ ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर ये जो क्लास आपने ए बनाया है, ए का डॉट क्लास फाइल यहाँ पे है, तो क्या आपको डिफॉल्ट पैकेज कहीं दिख रहा है? क्योंकि डिफॉल्ट पैकेज का कोई नाम नहीं होता तो फिर उसे यूज कैसे करोगे, ये तो दिक्कत आ गई ना। तो डिफॉल्ट पैकेजेस हैव नो एनी नेम, सो हाउ वी कैन यूज द डिफॉल्ट पैकेजेस, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू क्रिएट द यूजर डिफाइंड पैकेज। तो यूज़र डिफाइंड पैकेजेस हम कैसे बनाते हैं जरा इसके बारे में हम देखते हैं। यूज़र डिफाइंड पैकेजेस को बनाने के लिए देखिए हमारे पास दो स्टेप का प्रोसेस होता है। जब भी आप क्लास बनाइए तो क्लास के सबसे टॉप पे, जैसे कोई भी क्लास आप बनाइए तो क्लास के सबसे टॉप पे पैकेज कीवर्ड लिखिए, PACKAGE पैकेज लिखिए एंड देन पैकेज का नाम लिख दीजिए, कोई भी नाम लिख दीजिए। पैकेज का जो नाम होता है ना वो हमेशा आप अपने प्रोजेक्ट के नाम पे रखते हो, प्रोजेक्ट का डोमेन जो होता है उसके रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो, ऐसे जैसे जैसे आप बना रहे हो एंड्रो जावा टेक फॉर यू डॉट कॉम करके प्रोजेक्ट, तो आप लिखोगे कॉम डॉट एंड्रो जावा, है ना, ऐसे करके टेक फॉर यू इस तरह से। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि ये ऐसा देना कोई ज़रूरी है? हाँ, तो क्योंकि स्टैंडर्ड होता है, जैसे आप क्लास का पहला लेटर कैपिटल लिखते हो स्टैंडर्ड है ना, क्लास का नाम रिलेवेंट रखना चाहिए स्टैंडर्ड है, ऐसे पैकेज का भी नाम जो हमेशा होता है वो डोमेन के रिवर्स ऑर्डर में होता है, और उस तरह से अगर लिखोगे तो चीज़ों को सर्च करना आसान होगा। जैसे एंड्रो जावा टेक फॉर यू डॉट कॉम हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, तो हमने कॉम डॉट एंड्रो जावा टेक फॉर यू लिख दिया और डॉट करके, अब ये मान लो कनेक्शन वाली क्लास है तो इसको हमने नाम दे दिया कनेक्ट, तो नाम आपको अपने अकॉर्डिंगली देना है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, ये कॉम एक पैकेज होगा, एंड्रो जावा उसका सब पैकेज होगा, कनेक्ट उसका सब पैकेज होगा, इस तरह से, है ना। तो अभी मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड ना देके बस P1 लिख देता हूँ तब भी ये पैकेज माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अभी हम केवल एक पैकेज बनाना सीखते हैं। अगर हम डॉट लगा के P1 डॉट P2 कर देंगे तो दो पैकेजेस बन जाएंगे, पैकेज के अंदर पैकेज, इन्हें सब पैकेज हम बोलेंगे। क्लियर है? तो पैकेज के अंदर भी पैकेजेस बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए, तो पैकेज क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड पैकेज। तो इन ऑर्डर टू क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड, देखिए जावा के अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, वो प्री डिफाइंड पैकेज के अंदर हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बात ये आ रही है कि जावा की जो भी आप क्लासेस बनाएंगे आप अपने पैकेज के अंदर रखेंगे, ये एक स्टैंडर्ड को आप फॉलो करना चाहिए आपको। क्वेश्चन ये है कि जावा की जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जावा के जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं वो प्री डिफाइंड पैकेज के अंदर हैं, तो हम भी अपनी क्लासेस को कहाँ रखेंगे? पैकेज के अंदर रखेंगे। क्लियर है? तो पैकेज कैसे बनाएंगे, पैकेज कैसे रखेंगे? तो पैकेज बनाने के लिए दो स्टेप का प्रोसेस होता है कि जब भी आप अपनी क्लास को बनाएं, क्लास के सबसे टॉप पे पैकेज लिखें, पैकेज का नाम लिखें, पैकेज और पैकेज का नाम, पैकेज एक कीवर्ड है और नाम यहाँ पे हमने दे दिया, और जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा, बट रन करेंगे रन नहीं होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं तो कुछ भी नहीं लिखता हूँ और इसको रन कर लेता हूँ आपके लिए। यहाँ से देखिए हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन मेथड हो गया, स्ट्रिंग करके हमने आर्गुमेंट ले लिया और फिर हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड देन हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो जावा या हेलो पैकेज। ये हमने हेलो पैकेज करके एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर लिख दिया, राइट। सीएमडी में गए, डेस्कटॉप पे गए और हमने लिख दिया जावा सी ए डॉट जावा। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे हमारा पर्टिकुलर फाइल है, तो जावा सी ए डॉट जावा। ये देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया और जावा करके हमने प्रोग्राम को रन कर दिया। तो ये बिना पैकेज के डिफ़ॉल्ट पैकेज है ना, तो डिफ़ॉल्ट पैकेज का कोई नाम नहीं है, वो हमें दिख भी नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, पैकेज लिखेंगे, पैकेज का नाम लिखेंगे, ये हमारा पैकेज बन के आ जाएगा। तो पैकेज बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पैकेज बनाइए, पैकेज का नाम लिखिए। अच्छा, ऐसा करोगे तो क्या होगा, अगर ऐसा आप करोगे तो आपकी जो डॉट क्लास फाइल होगी वो इस लॉजिकल पैकेज के अंदर बन के आ जाएगी, है ना। पैकेज, पैकेज का नाम कंपाइल करोगे और PACKAGE, राइट, दोबारा इसको आप CLS करके कंपाइल कर लीजिए। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब आप इस प्रोग्राम को रन करिए, रन ही नहीं होगा। क्यों? इसका रीज़न है, रीज़न ये है कि आपने क्या किया, पैकेज आप बनाना चाह रहे थे, तो जावा के अंदर पैकेज बनाने के दो स्टेप का प्रोसेस होता है, पहला होता है क्रिएटिंग अ लॉजिकल पैकेज और दूसरा होता है क्रिएटिंग अ फिजिकल पैकेज। तो लॉजिकल पैकेज बनाने के लिए आपको अपनी क्लास के सबसे टॉप पे पैकेज कीवर्ड लिखना है, पैकेज का नाम लिखना है, इससे लॉजिकल पैकेज बन जाता है। लॉजिकल पैकेज का मतलब ये जो ए डॉट क्लास है वो एक लॉजिकली P1 नाम के कंटेनर में जा चुका है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है, फिजिकली बना नहीं है, तो इसलिए आप जब उसको रन कर रहे हो तो एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपका JVM कि लॉजिकली ए डॉट क्लास जो है वो P1 पैकेज में जा चुका है और आपने फिजिकली इसे बनाया नहीं, ठीक है ना। तो कैसे बनाया जाए फिजिकली, ये दूसरा स्टेप है। तो पहला स्टेप है क्रिएटिंग अ लॉजिकल पैकेज, दूसरा है क्रिएटिंग अ फिजिकल पैकेज। फिजिकल पैकेज बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको उसी नाम से फोल्डर बनाना होगा जो आपके पैकेज का नाम है उसी डायरेक्टरी में। तो हमने P1 नाम का फोल्डर बना दिया और अपने डॉट क्लास फाइल उसमें डाल देंगे, राइट। ये अपने डॉट क्लास फाइल P1 फोल्डर के अंदर डाल देंगे। तो P1 फोल्डर के अंदर कहाँ चला गया, P1 फोल्डर यहाँ पे है, ये इसके अंदर डाल देंगे, है ना, ये भाग रहा है कहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी डॉट क्लास फाइल P1 फोल्डर के अंदर चली गई और आप जब इसको रन करेंगे तो आप ऐसे नहीं रन करेंगे, है ना, आप ऐसे रन करेंगे, लिखेंगे जावा और उसके बाद P1 डॉट क्लास का नाम लिख के, ये देखिए रन हो गया। तो ये दो स्टेप का प्रोसेस होता है पैकेज बनाने के लिए, पहला क्रिएटिंग अ लॉजिकल पैकेज, दूसरा क्रिएटिंग अ फिजिकल पैकेज। लॉजिकल पैकेज बनाने के लिए आपको पैकेज का नाम लिखना है, पैकेज कीवर्ड लिखना है, ये सबसे टॉप पे लिखना है, ये क्लास का सबसे पहला लाइन होना चाहिए, एंड पैकेज का नाम लिखना है, देन सेमी कॉलन। पैकेज का नाम पैकेज कीवर्ड के साथ लिखते ही तो कोड कंपाइल करेंगे तो आपका डॉट क्लास फाइल एक लॉजिकल पैकेज में चला जाएगा। फिजिकल पैकेज बनाने के लिए आपको उसी नाम से फोल्डर बनाना होगा जो पैकेज का नाम है, अपनी डॉट क्लास फाइल को उसके अंदर डाल देना होगा, देन प्रोग्राम को इस तरह से रन कर देना होगा जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, जावा पैकेज का नाम, डॉट क्लास का नाम। तो इस तरह से आपका पैकेज बन के आ जाएगा।
तो ये होता तरीका पैकेज बनाने के लिए। बिल्कुल बहुत कठिन चीज़ लग रहा है, आपको लग रहा होगा यार ये तो जावा के अंदर एक बहुत बड़ी बेकार चीज़ हो गई, अब सारा प्रोग्राम ऐसे कंपाइल करें ऐसे बनाएं पैकेज, तो ये आपको फॉलो नहीं करना है, इसको डिलीट मार दीजिए, राइट। आपको एक ही स्टेप में लॉजिकल फिजिकल दोनों पैकेज बन के आ जाएगा जब आप इस तरह से कंपाइलेशन करोगे जावा सी और हाइफन डी करके, है ना। हाइफन डी स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन, ये जावा सी का एक स्विच है, जावा सी के जितने भी स्विचेज हैं ऑप्शंस हैं वो आपको जावा सी लिख के यहाँ पे एंटर करते ही दिख जाते हैं, है ना। उसमें से एक आपको हाइफन डी नाम का भी स्विच मिलेगा जिसका मतलब होता है डेस्टिनेशन या डायरेक्टरी जहाँ पे आपका पैकेज बने, तो स्पेसिफाई वेयर, है ना, जनरेट द क्लास फाइल। तो आप अपनी क्लास फाइल को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे जाए, कहाँ पे किस जगह पे बने, तो आपने लिख दिया हाइफन डी के साथ यहाँ लगा दिया डॉट, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी में बने। आपने कहा सर ये क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, अभी तक तो नहीं करते थे। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका फिजिकल पैकेज भी बन के आ जाए, लॉजिकल पैकेज तो आपका पी वन बना है, लॉजिकल फिजिकल एक ही लाइन में बन के आ जाए, है ना। जब आप इस तरह से लिख के एंटर मार दोगे ना तो आप अपना यहाँ पे देख सकते हो कि पी वन नाम का एक पैकेज कहीं पे बन के आ गया होगा डेस्कटॉप पे ही आपके, है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं। ये देखिए पी वन यहाँ पे बन के आ गया, फिर से मैं डिलीट करके आपको दिखा रहा हूँ, एक बार दोबारा कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पी वन नाम का यहाँ पैकेज बन के आ गया और उसके साथ यहाँ पे आपकी डॉट क्लास फाइल जाके स्टोर हो गई, राइट। तो इस तरह से आपको लिखते ही, और फिर रन करने का क्या तरीका होगा, रन करने का वही सेम तरीका होगा जो पहले फॉलो करते थे। तो जावा सी के साथ स्पेस देके हाइफन डी लगाइए, डी स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन या डायरेक्टरी जहाँ पे आपको डॉट क्लास फाइल स्टोर करनी है। तो हमने लिख दिया डॉट, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब डेस्कटॉप पे जहाँ पे हम हैं अभी, है ना, और फिर ए डॉट जावा। तो ये क्या करेगा, एक ही लाइन में एक ही स्टेप में आपका फिजिकल लॉजिकल दोनों पैकेज बना के दे देगा, देन प्रोग्राम रन कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप जावा का प्रोग्राम पैकेज के थ्रू बना रहे हो और पैकेज बनाना चाहते हो, पैकेज कीवर्ड लिखो और हाइफन डी से कंपाइलेशन करिए, है ना, तो इस तरह से आपका पैकेज बन के आ जाएगा। और जावा में इस तरह से आपको फॉलो करना ही करना है, आगे तो आप नोट पैड पर काम नहीं करोगे, आप आई डी में काम करोगे, आई डी में अपने आप यहाँ पे बन के आता है, कोई कमांड वगैरह लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है। बट आपको फिर भी नोट पैड में बताने का पर्पज़ है कि चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर भी अगर आप डॉट नहीं लगाना चाहते हो तो डॉट की जगह पर आप हाइफन डी के साथ आप डेस्टिनेशन कुछ और दे सकते हो, डी ड्राइव, बी ड्राइव, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा, आप उस लोकेशन पर भी पैकेजेस बना सकते हो, पैकेज कहीं पर भी बनाए जा सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो, कोई क्वेरी, कोई क्वेरी नहीं है नहीं सर। भाई सर चीज सारी चीज़ों का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया,